नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। दिसंबर 22 का मंथली ऑटोमोबाइल सेल्स डेटा। ये वीडियो में हम ये 8 कंपनीज के ऑटोमोबाइल मंथली सेल्स डेटा देखेंगे। अगर आप किसी का पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स के डेटा देखना चाहते हैं तो उस चैप्टर पर डायरेक्ट जा सकते हैं एंड सभी 8 कंपनीज के डेटा देखने के लिए फुल वीडियो देखें। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। फेस्टिवल सीजन के बाद टू व्हीलर में परफॉर्मेंस सब्ड्यूड रहा है एंड ऑल्सो रूरल डिमांड भी पिकअप नहीं हो रही है। पैसेंजर व्हीकल में चिप शॉर्टेज एंड दिसंबर में लो स्टॉक एंड ईयर एंड सेल्स के रीजन से लिमिटेड प्रोडक्शन रहा है। इम्प्रूविंग फ्लीट यूटिलाइजेशन, पिकअप इन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज इन सीमेंट कंजम्पशन की वजह से मीडियम एंड हेवी सीवीज की डोमेस्टिक डिमांड में रिकवरी हुई है, जबकि सीवीज एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस वीक रहा है ड्यू टू द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इन मोस्ट ऑफ द ओवरसीज मार्केट्स। नाउ मूव टू द कंपनीज। फर्स्ट कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस लोअर एक्सपोर्ट सेल्स की वजह से वीक रहा है। बजाज ऑटो ने दिसंबर 22 में 1,25,525 यूनिट टू व्हीलर के डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 1.6% कम है एंड नवंबर 22 से 1.6% से ज्यादा सेल हुई है एंड 1,21,499 यूनिट्स का कंपनी ने टू व्हीलर का एक्सपोर्ट किया है, जो दिसंबर 21 से 36.4% कम है एंड नवंबर 22 से 12.4% से कम है। टोटल टू व्हीलर का वॉल्यूम 247,024 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 22.5% से कम है एंड नवंबर 22 से 5.8% से कम है। बजाज ऑटो ने दिसंबर 22 में 23,030 यूनिट्स का थ्री व्हीलर का डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है, जो दिसंबर 21 से 25.3% से ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 21.2% से कम सेल हुई है एंड 11,432 यूनिट्स कंपनी ने थ्री व्हीलर का एक्सपोर्ट किया है, जो दिसंबर 21 से 54.8% कम है एंड नवंबर 22 से 24.8% से कम है। टोटल थ्री व्हीलर का वॉल्यूम 34,462 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 21.1% कम है एंड नवंबर 22 से 22.4% कम है। बजाज ऑटो का दिसंबर 22 का टोटल सेल्स वॉल्यूम 281,486 यूनिट है, जो दिसंबर 21 से 22.3% कम है एंड नवंबर 22 से 8.2% कम है। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने 1,48,555 यूनिट सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 1.8% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 2.7% कम है। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी ने 1,32,931 यूनिट सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 38.6% से कम है एंड नवंबर 22 से 13.6% से कम है। कंपनी के टोटल वॉल्यूम में टू व्हीलर का वॉल्यूम से दिसंबर 22 में 87.8% है और थ्री व्हीलर का वॉल्यूम से 12.2% है। दिसंबर 22 के कंपनी के टोटल वॉल्यूम में से कंपनी ने 52.8% सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में की है एंड 47.2% सेल्स एक्सपोर्ट मार्केट में हुई है। उसी में से कंपनी ने 84.5% टू व्हीलर एंड 15.5% थ्री व्हीलर डोमेस्टिक मार्केट में सेल की है और एक्सपोर्ट ब्रेकअप की बात करें तो 91.4% टू व्हीलर एंड 8.6% थ्री व्हीलर का एक्सपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने दिसंबर 22 में 356,749 यूनिट्स मोटरसाइकिल के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 5.3% कम है एंड नवंबर 22 से 1.1% ज्यादा सेल हुई है एंड 37,430 यूनिट्स कंपनी ने स्कूटर के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 109% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 1.8% कम है।
टोटल वॉल्यूम 394,179 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 0.2% कम है एंड नवंबर 22 से 0.8% ज्यादा है। कंपनी ने दिसंबर 22 में 381,365 यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 1.8% से ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 0.4% ज्यादा सेल हुई है। एंड 12,814 यूनिट्स कंपनी ने एक्सपोर्ट किए हैं, जो दिसंबर 21 से 36.8% कम है एंड नवंबर 22 से 15.5% से ज्यादा है। कंपनी के टोटल वॉल्यूम में मोटरसाइकिल का वॉल्यूम से दिसंबर 22 में 90.5% है एंड स्कूटर का वॉल्यूम से 9.5% है। दिसंबर 22 के कंपनी के टोटल वॉल्यूम में से कंपनी ने 96.7% सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में की है एंड 3.3% एक्सपोर्ट मार्केट में सेल हुई है। एंड वी कैन सी कि एक्सपोर्ट मार्केट में कम सेल होने की वजह से ही कंपनी का सेल्स अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू इट्स क्लोजेस्ट पीयर बजाज ऑटो। नेक्स्ट कंपनी आइसर मोटर्स। आइसर ने दिसंबर 22 में 61,223 यूनिट्स रॉयल एनफील्ड के अप टू 350 सीसी सेल्स किए हैं, जो दिसंबर 21 से 2.1% कम है एंड नवंबर 22 से 7.2% कम सेल हुई है। एंड 7177 यूनिट्स कंपनी ने रॉयल एनफील्ड के मोर देन 350 सीसी के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 35.9% कम है एंड दिसंबर 22 से 49.2% से ज्यादा है। टोटल रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम 68,400 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 7.2% कम है एंड नवंबर 22 से 3.3% से कम है। कंपनी ने दिसंबर 22 में 59,821 यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 8.2% से कम है एंड नवंबर 22 से 9% से कम सेल हुई है। एंड 8579 यूनिट्स कंपनी ने एक्सपोर्ट किए हैं, जो दिसंबर 21 से 0.3% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 71.4% से ज्यादा है। कंपनी के टोटल वॉल्यूम में रॉयल एनफील्ड अप टू 350 सीसी का वॉल्यूम शेयर दिसंबर 22 में 89.5% है एंड रॉयल एनफील्ड मोर देन 350 सीसी का वॉल्यूम से 10.5% का है। दिसंबर 22 में कंपनी के टोटल सेल्स वॉल्यूम में से कंपनी ने 87.5% सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में की है एंड 12.5% एक्सपोर्ट मार्केट में सेल हुई है। नेक्स्ट कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर ने दिसंबर 22 में 1,24,705 यूनिट्स मोटरसाइकिल के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 6.7% कम है एंड नवंबर 22 से 14% कम सेल हुई है। 76,766 यूनिट्स कंपनी ने स्कूटर के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 13.6% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 8.3% कम है। 26,195 यूनिट्स कंपनी ने मोपेड के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 23.3% कम है एंड नवंबर 22 से 25.1% कम है। 14,346 यूनिट्स कंपनी ने थ्री व्हीलर के सेल किए हैं, जो नवंबर 21 से 7.7% कम है एंड नवंबर 22 से 6.4% से ज्यादा है। कंपनी का टोटल वॉल्यूम 2,42,012 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 3.6% कम है एंड नवंबर 22 से 12.7% से कम है। कंपनी के टोटल वॉल्यूम में मोटरसाइकिल का वॉल्यूम से दिसंबर 22 में 51.5% है, 31.7% स्कूटर का वॉल्यूम से, 10.8% मोपेड का वॉल्यूम से एंड 5.9% थ्री व्हीलर का वॉल्यूम से रहा है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।
मारुति सुजुकी ने दिसंबर 22 में 67,276 यूनिट्स मिनी प्लस कॉम्पैक्ट कार के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 21.5% कम है एंड नवंबर 22 से 26.2% कम सेल हुआ है। 1154 यूनिट्स कंपनी ने एग्जीक्यूटिव सीडान के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 4.2% कम है एंड नवंबर 22 से 25.7% कम है। 43,589 यूनिट्स कंपनी ने वैन एंड यूटिलिटी व्हीकल्स के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 20.6% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 9.7% ज्यादा है। 1525 यूनिट्स कंपनी ने लाइट सीवी के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 49.4% कम है एंड नवंबर 22 से 42.7% से कम है। कंपनी का टोटल डोमेस्टिक वॉल्यूम 1,13,535 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 9.9% कम है एंड नवंबर 22 से 15.9% से कम है। कंपनी का एक्सपोर्ट वॉल्यूम 21,796 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 2.2% कम है एंड नवंबर 22 से 10.4% ज्यादा है। कंपनी ने 4016 यूनिट्स अदर ओईएम्स को सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 17% कम है एंड नवंबर 22 से 5.5% कम है। कंपनी का टोटल वॉल्यूम 1,39,347 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 9% कम है एंड नवंबर 22 से 12.4% कम है। कंपनी के टोटल वॉल्यूम में मिनी प्लस कॉम्पैक्ट कार का वॉल्यूम से दिसंबर 22 में 48.3% है, 0.8% एग्जीक्यूटिव सीडान का वॉल्यूम से 31.3% वैन एंड यूटिलिटीज व्हीकल का वॉल्यूम से 1.1% लाइट सीवी का वॉल्यूम शेयर, 15.6% एक्सपोर्ट का वॉल्यूम शेयर एंड 2.9% का वॉल्यूम शेयर टू अदर्स ओएम का रहा है। नेक्स्ट कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स ने फोर्ड इंडिया का जो सानंद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको एक्वायर करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, जो एज पर दी कंपनीज 10 जनवरी 2023 तक में कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। टाटा मोटर ने दिसंबर 22 में 10,885 यूनिट्स मीडियम एंड हेवी सीवी के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 34.3% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 22.6% ज्यादा है। 4548 यूनिट्स कंपनी ने एलसीवी के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 11.3% कम है एंड नवंबर 22 से 31.4% ज्यादा है। 2694 यूनिट्स कंपनी ने पैसेंजर कैरियर के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 95.2% से ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 32% ज्यादा है। 14827 यूनिट्स कंपनी ने एससीवी कार्गो एंड पिकअप व्हीकल के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 9.5% कम है एंड नवंबर 22 से 13.6% ज्यादा है। कंपनी का टोटल सीवी डोमेस्टिक वॉल्यूम 32,954 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 6.3% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 20.1% से ज्यादा है। कंपनी का सीवी इंटरनेशनल बिजनेस वॉल्यूम 995 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 68.3% कम है एंड नवंबर 22 से 38.7% कम है। कंपनी ने 40,043 यूनिट्स पीवी के डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 13.4% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 13% कम है। कंपनी ने 364 यूनिट्स पीवी इंटरनेशनल बिजनेस के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 123.3% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 6.2% कम है। कंपनी का टोटल वॉल्यूम 74,356 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 6.8% से ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 1.5% से कम है।
कंपनी के टोटल वॉल्यूम में से एमएनएचसीवी का वॉल्यूम शेयर दिसंबर 22 में 14.6% है, 6.1% का INLCV का वॉल्यूम शेयर, 3.6% पैसेंजर कैरियर का वॉल्यूम शेयर, 19.9% एससीवी कार्गो एंड पिकअप व्हीकल्स का वॉल्यूम शेयर, 1.3% सीवी इंटरनेशनल बिजनेस का वॉल्यूम शेयर, 53.9% पीवी डोमेस्टिक वॉल्यूम शेयर एंड 0.5% का वॉल्यूम शेयर पीवी इंटरनेशनल बिजनेस का रहा है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी एमएनएम। एमएनएम ने दिसंबर 22 में 28,333 यूनिट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 62.2% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 6.3% कम है। 112 यूनिट्स कंपनी ने कार्स प्लस वैंस के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 55.7% कम है एंड नवंबर 22 से 27.3% से कम है। 28,445 यूनिट्स कंपनी ने टोटल पीवी के डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 60.5% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 6.4% से कम है। 3031 यूनिट्स कंपनी ने एलसीवी लेस देन 2T के सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 7.4% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 14.7% ज्यादा है। कंपनी ने एलसीवी 2T टू 3.5T वॉल्यूम 16,170 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 29% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 0.1% से ज्यादा है, सॉरी 1% से कम है। कंपनी का एलसीवी ग्रेटर देन 3.5T प्लस एमएचसीवी वॉल्यूम 879 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 50.5% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 16.4% ज्यादा है। कंपनी ने 5052 यूनिट्स थ्री व्हीलर में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 103.7% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 2.8% से कम है। कंपनी ने 3100 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है, जो दिसंबर 21 से 2.8% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 0.7% से कम है। कंपनी का टोटल ऑटोमोटिव वॉल्यूम 56,677 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 44.7% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 2.8% से कम है। एमएनएम ने दिसंबर 22 में 21,640 यूनिट्स फार्म इक्विपमेंट के डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 29.7% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 25.8% कम सेल हुई है। एंड 1603 यूनिट्स कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट में सेल किए हैं, जो दिसंबर 21 से 1.3% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 18.9% ज्यादा है। कंपनी का टोटल फार्म इक्विपमेंट का वॉल्यूम 23,243 यूनिट्स हुआ है, जो दिसंबर 21 से 27.2% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 23.9% से कम है। कंपनी के टोटल ऑटोमोटिव वॉल्यूम में यूटिलिटी व्हीकल्स का वॉल्यूम शेयर दिसंबर 22 में 50% है, 0.2% कार्स प्लस वैन्स का वॉल्यूम शेयर, 5.3% एलसीवी लेस देन 2T का वॉल्यूम शेयर, 28.5% एलसीवी 2T टू 3.5T का वॉल्यूम शेयर, 1.6% का एलसीवी ग्रेटर देन 3.5T प्लस एमएचसीवी का वॉल्यूम शेयर, 8.9% का थ्री व्हीलर का वॉल्यूम शेयर एंड 5.5% का वॉल्यूम शेयर एक्सपोर्ट मार्केट का रहा है। कंपनी के टोटल फार्म इक्विपमेंट वॉल्यूम में डोमेस्टिक मार्केट का वॉल्यूम शेयर दिसंबर 22 में 93.1% है एंड 6.9% का वॉल्यूम शेयर एक्सपोर्ट में हुआ है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी एंड द लास्ट कंपनी इज अशोक लेलैंड लिमिटेड। अशोक लेलैंड ने दिसंबर 22 में 10,069 यूनिट एम एन एच सी वी ट्रक्स के डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं,
जो दिसंबर 21 से 64.1% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 30.3% ज्यादा है। 74 यूनिट्स कंपनी ने एम एन एस सीवी ट्रक्स के एक्सपोर्ट मार्केट में सेल किए हैं जो दिसंबर 21 से 84% कम है एंड नवंबर 22 से 11.9% से कम है। 1330 यूनिट्स कंपनी ने एम एन एच सी वी बस के डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं जो दिसंबर 21 से 116.3% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 38.8% से ज्यादा है। 789 यूनिट्स कंपनी ने एम एन एच सी वी बस के एक्सपोर्ट मार्केट में सेल किए हैं जो दिसंबर 21 से 94.8% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 11.9% ज्यादा है। कंपनी का एलसीवी का डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम 5713 यूनिट्स हुआ है जो दिसंबर 21 से 20.5% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 15% से ज्यादा है। कंपनी का एलसीवी का एक्सपोर्ट मार्केट का वॉल्यूम 163 यूनिट्स हुआ है जो दिसंबर 21 से 3.2% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 38.1% ज्यादा है। कंपनी का टोटल वॉल्यूम 18,138 यूनिट्स हुआ है जो दिसंबर 21 से 44.9% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 24.6% ज्यादा है। कंपनी ने दिसंबर 22 में 17,112 यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए हैं जो दिसंबर 21 से 48.9% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 25.3% ज्यादा सेल हुए हैं एंड 1026 यूनिट्स कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट में सेल किए हैं जो दिसंबर 21 से 0.1% ज्यादा है एंड नवंबर 22 से 13.1% ज्यादा है। कंपनी का टोटल वॉल्यूम में एम एन एच सी वी ट्रक्स का वॉल्यूम से दिसंबर 22 में 55.9% है, 11.7% एम एन एच सी वी बस का वॉल्यूम से एंड 32.4% का वॉल्यूम से एल सी वी का रहा है। कंपनी के टोटल वॉल्यूम में डोमेस्टिक मार्केट का वॉल्यूम से दिसंबर 22 में 94.3% है एंड 5.7% का वॉल्यूम से एक्सपोर्ट का रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आउटलुक। सीवीज फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में रूरल सेंटीमेंट और गुड खरीफ प्रोक्योरमेंट, रबी सोबे एंड बेहतर वाटर लेवल के रीजन से फेवरेबल सेंटीमेंट्स रहा है और उसी की वजह से हमने सीवीज और फार्म इक्विपमेंट्स का अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिसंबर मंथ में देखा है। हीरो मोटो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेस्टिवल सीजन एंड मैरिज सीजन की वजह से एज वेल एज कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट इम्प्रूव हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर की डिमांड इंप्रूव हो सकती है। स्लोअर इंटरनेशनल डिमांड, सप्लाई चेन इश्यूज एंड इंक्रीजिंग कोरोना केसेस के रीजन से एक्सपोर्ट मार्केट में परफॉर्मेंस वीक रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि कमिंग मंथ्स में भी एक्सपोर्ट मार्केट का परफॉर्मेंस वीक रह सकता है। फ्यूचर ग्रोथ अगर हम एक्सपेक्ट करें तो वो चीप चिप शॉर्टेज एंड सप्लाई चेन के इंप्रूवमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इंप्रूवमेंट के साथ ही आ सकता है। अगर ये सिनेरियो इंप्रूव नहीं होता है देन ग्रोथ स्लो ही रहेगा। ऑल्सो जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है प्लस जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है वो भी बढ़ गई है। देन ऑल्सो कंपनीज की तरफ से जो इन्वेंटरी फाइनेंसिंग का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गया है तो उसकी वजह से कंपनीज को भी कमिंग मंथ्स में भी परफॉर्मेंस में स्ट्रगल रह सकती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।